सरकारी नंबर आपके सभी के पास मेरा होगा ही, है ना। 01 लास्ट में जिसका नंबर है उस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप ये मान के चलिए कि वही नंबर मैं यूज करता हूँ हमेशा, मैं व्हाट्सएप उसी को देखता हूँ। तो जब भी होगा मैं उस पर तुरंत आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक और नंबर आप नोट कर लीजिए, दूसरा मेरा पर्सनल नंबर कॉल करने के लिए, 6261-098-575। तो पहले वाले नंबर पे व्हाट्सएप है, दूसरे वाले पे नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6261-098-575। और दोनों नंबर पे कॉलिंग है, फिर रिपीट करूँ, 6261-098-575। अब मैं पहले अपने को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आप वैसे आप लोग जानते ही होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से सर्च कर लेते हैं, खोज लेते हैं, जान लेते हैं। फिर भी लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मैं 2011 बैच है मेरा, और इसके पहले मैं शुरुआत में पहले मैं अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में गाजीपुर जिला है, बनारस के बगल का जिला, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पहली पढ़ाई फिर नवोदय विद्यालय से हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय आप लोग जानते होंगे। फिर ग्रेजुएशन और पीजी पॉलिटिकल साइंस में मेरी बीएचयू से हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और वहाँ मैं बीए में, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड्स में बीए में टॉपर था, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट था। यह एक एडिशनल चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और मैंने उसके बाद मैं यूजीसी नेट जेआरएफ मैंने क्लियर किया था, जो बेसिकली मैं प्रोफेसर बनना चाहता था। तो आप जानते हैं कि लेक्चरशिप और प्रोफेसरशिप के लिए जरूरी रहता है कि यूजीसी जेआरएफ क्लियर किया जाए। फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए गया, और जेएनयू से मैंने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, एमफिल किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद पे मैंने एमफिल की थेसिस लिखी है। और उसके बाद मैं पीएचडी कर रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस बिल्डिंग वर्क्स पे, शांति सुदृढ़ीकरण एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर मैं काम कर रहा था। उसी बीच सिलेक्शन हो गया, मैं लगभग 2-2.5 साल वहाँ पीएचडी किया। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ, छत्तीसगढ़ कैडर लॉट हुआ, आईपीएस लॉट हुआ। और अभी भी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अब मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड हूँ। मोस्ट लाइकली अगले साल मैं, अगले महीने मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं सबमिट करने वाला हूँ पीएचडी अपनी। मेरी पदस्थ, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं भी प्रेस फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी प्रेस रिपोर्टर हैं, यूपी में दैनिक जागरण से, आज से नहीं 92 से जुड़े हुए हैं। तो कई बार ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव यूपी में बोलते वो भी रहे हैं, और कई और प्रेस से भी जुड़े रहे। फिर अगेन इज इन दैनिक जागरण वाली। और तो इसका मतलब ये है कि मैं बचपन से प्रेस को देखता रहा हूँ। तो मेरे जितने दोस्त या जिसको कहा जाए वो प्रेस वाले या प्रेस वालों के बच्चे होते थे, और सारे अंकल जो है मेरे सारे प्रेस वाले ही रहे हैं। तो प्रेस से बड़ा मेरा करीबी क्लोज रिलेशन रहा है। छत्तीसगढ़ में मेरी पदस्थापना पहले दुर्ग में रही है, सीएसपी दुर्ग के रूप में, पहले ट्रेनिंग फिर सीएसपी दुर्ग के रूप में। कुल 1.5 साल मैंने दुर्ग में पोस्टिंग की है, 2013 से 14 जुलाई तक। फिर 2 साल पूरे मैं सुकमा में था, एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशंस, और लखनऊ लगन पटले साहब भी वही थे, एसडीओपी दुर्नापाल थे उस समय। मैं पहले दुर्नापाल फिर सुकमा, है ना। और बहुत ऑपरेशन करते रहे, आप लोग को शायद नहीं मालूम है, ये अंदर जाके बहुत बहुत दिनों तक गायब हो जाते थे। तो इनकी फैमिली पूछती रहती, सर कहाँ गए पटले साहब, थोड़ा खोज निकालो। उस समय बड़ी सिचुएशन और भी टफ होती थी, बहुत इनकाउंटर आपको याद होगा। 2014-16 कुछ सबसे हॉट ईयर्स हुआ करते थे नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से, रोज इनकाउंटर्स होते थे। उसके बाद मैं एसपी रहा हूँ कुंडा गांव नारायणपुर, फिर महासमुंद में काम करने का मौका मिला, फिर रायगढ़, और रायगढ़ के बाद कोरिया, राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद फिर कोरबा, बिलासपुर, और अभी आपके शहर में मैं हूँ। आपको मालूम है कि परसों मैंने चार्ज लिया है, चार्ज लेने के बाद अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे करना है, और जो अभी तक फीडबैक मिला उसके हिसाब से कुछ चीज़ें प्लान भी की है, और बाकी चीज़ें समय के साथ हम लोग प्लान करेंगे।
जनरली राजधानी के पुलिस का एक हमेशा इम्पोर्टेंस रहता है, उससे कई बार दूसरे जिलों की पुलिस भी सीखती है। तो यहाँ की पुलिस जो कर रही थी कई बार उससे मैं भी सीखता था। अब मुझे यहाँ खुद काम करने का मौका मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि पुरानी चीज़ें मुझे काम आएगी और पुराने एक्सपीरियंस भी काम आएगा। लेकिन राजधानी में पुलिसिंग हमेशा एक नया अनुभव होता है। इवन जो लोग पहले भी काम किए हैं और दोबारा भी कभी काम करते हैं तो भी बोलते हैं, जैसे कई सारे हमारे DSP रैंक के अधिकारी, वो बोलते हैं सर हर बार हम लोग कुछ नया होता है, कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि पुलिसिंग यहाँ बहुत डायनेमिक है और डिफरेंट है किसी अन्य जगहों की तुलना में। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ बेहतर पुलिसिंग हो, और पुलिसिंग में आप जानते हैं हमेशा हम लोग अपने अधिकारियों को भी बोल रहा था कि हम बोलते हैं बेहतर पुलिसिंग हो। बेहतर पुलिसिंग का ये मतलब कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों से, आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो, जिसके लिए पुलिस थाने को अप्रोच करते हैं वो एड्रेस हो, उनसे अच्छा व्यवहार हो और बदमाशों के खिलाफ सख्ती हो, या बदमाशी जो लोग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जिसको सभी लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो सख्ती हम लोग करें। बाकी आप लोग जो पूछना चाहें तो मैं। सर, कई जिलों में आपने नशे के खिलाफ अपना अभियान चलाया है, यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे या इस तरह की कोई है? बिल्कुल, ये नशे के खिलाफ कार्रवाई मेरा एक एक प्राथमिकता में रहता है, और पिछले 2-3 जिलों में मैंने बल्कि बिलासपुर को जोड़ा जाए तो 4 जिलों में कुल नशे के खिलाफ निजात अभियान हम लोग चलाते रहे हैं। और रायपुर में भी कमोबेश जो नशे का कारोबार है या उससे जुड़े अपराध है उतना ही है, बल्कि मैं कहूँ उससे ज़्यादा है। तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्ती से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और निजात अभियान यहाँ भी पुलिस शुरू करेगी, बल्कि मैं कहूँ ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मैंने अपनी प्राथमिकताएं जो पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई उसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि निजात अभियान के तहत कार्रवाई वाला हिस्सा आप शुरू करिए, हम लोग फॉर्मल अनाउंस इनाग्रेशन जागरूकता का वो हम लोग बाद में करते रहेंगे। तो पहले भी यहाँ कार्रवाई होती रही है, अब उसको आप देखेंगे कि और सख्ती से करेंगे। बेसिकली एक क्राइम प्रिवेंशन का एक स्ट्रेटजी मेरा रहता है, क्योंकि नशे पे एक बार रोक लगती है तो बहुत सारे अपराधों पे ऑटोमेटिक रोक लगना शुरू हो जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको हम लोग जरूर करेंगे। अपराध का ट्रेंड चेंज हो गया है, अप्रत्यक्ष अपराध या ये कहेंगे साइबर क्राइम बढ़ गया है, उसमें पुलिस जिस लेवल तक पहुंच रही है उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही, जो देखने को बिल्कुल तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? आप देखिए, सही में आप जो कह रहे हैं बहुत इसको समझने की जरूरत है। एक सामान्य जो लूट होता है, जिसको कहते हैं किसी चौक चौराहे पे आप खड़े हैं, अचानक कोई आदमी आता है आपको चाकू दिखाता है और आपसे एक आपका पर्स लेके भाग जाता है, तो सोचिए कितनी सनसनी होती है कि लूट हो गया और इतना पैसा चला गया, 10,000 मेरे जेब में था, लूट के चला गया, उसको हम इतना सोचते कि इतना बड़ा अपराध है। और आज चुटकी बजाते हुए एक OTP शेयर करने से व्यक्ति के अकाउंट से लाखों लाख रुपए, उसका प्रीशियस पैसा गायब हो जाता है। तो ये एक आजकल का जो ये अपराध की जो टेंडेंसी है, जो जिसको कहा जाए पैटर्न है, ये बहुत ही बदल गया है, और इसमें इसको लड़ना और भी बहुत ज़्यादा चुनौती का काम है। जैसे आप पाते होंगे आए दिन सोशल मीडिया रिलेटेड अपराध जो होते रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते रहते हैं, साइबर वर्ल्ड के और अपराध रहते हैं, इसमें जब पुलिस कार्रवाई करती है तो अभी भी पुलिस के पास इतने हैंडीकैप होते थे, एक हैंडीकैप जो होता था कि इसमें सारे हमारे पास प्रार्थी एक नंबर लेके आता है और हमेशा वो नंबर जो है फेक नंबर्स होता है। अब वो कहता है कि सर इस ये नंबर तो अभी भी चालू है, आप इसको पकड़ क्यों नहीं लेते? आप समझिए कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक फेल्योर कि इतने आसानी से नंबर इशू होते हैं। बैंक अकाउंट जिसमें पैसे जाते हैं, आदमी कहता है कि ये सर ये बैंक इसी अकाउंट में तो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट कितने आसानी से खुल जाते हैं और पैसा तुरंत का तुरंत गायब जाता है। ऐसे अन्य जितने उसमें पहचान छुपाने के तरीके होते हैं वो बहुत ही आसानी से होता है। तो साइबर वर्ल्ड के अपराध, इंटरनेट के अपराध, कंप्यूटर रिलेटेड अपराध अब बहुत ज्यादा उस तरह से हो गया। पुलिस को जो चैलेंजेस थी, पहले हमारे पास मैन पावर की कमी होती थी,
ट्रेनिंग की कमी होती थी और हमें खुद उतने इक्विप्ड हम लोग नहीं थे, लेकिन अभी सरकार प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि नए साइबर थाने भी खुले, अभी बहुत फंक्शनल नहीं है, अभी बहुत मुश्किल कुछ अपराध दर्ज हो रहे हैं उसमें, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपने पुलिस कर्मियों को उसी हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं, उनको अपराधों में इस तरह से कैसे विवेचना कर रहे हैं उसको, उनको उनकी समझ बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किए हैं, और जो सबसे बड़ी बात जिस सिस्टमेटिक फेलियर की बात करें उसमें सरकार कुछ न कुछ कर रही है। तो आने वाले समय में ये और अच्छे से हम लोग विवेचना करेंगे, और राजधानी की पुलिस होने के नाते हम लोग कोशिश ये करेंगे हमारा परफॉर्मेंस इस तरह के अपराधों में सबसे अच्छा हो, अधिकतम। लेकिन अंतिम चीज जो मैं इसमें कहूंगा, इस तरह के अपराधों के मूल जड़ में आप देखें क्या होता है, लालच। कोई व्यक्ति आपको कोई लालच देता है, अज्ञानता, आपको पता नहीं है, आपने क्या किया, कहीं से कोई लिंक पे क्लिक किया और या कुछ शेयर कर दिया, और तीसरा घबराहट, आप घबरा जाते हैं कि ये होने वाला है, अभी अभी ये ना कर दो तो आपका ये अकाउंट ये हो जाएगा, आपका सामने व्यक्ति कोई कुछ ऐसा बोल रहा है। तो ये तीन से तो हर व्यक्ति खुद बच सकता है, यही चीज मेरे पे क्यों नहीं लागू होते, मुझे कोई कॉल करके क्यों नहीं फ्रॉड कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, ये तीन कारण ऐसे हैं जिससे आदमी फ्रॉड का शिकार बनता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करे, ये हम लोग जिसको हमेशा प्रयास करते हैं, जागरूकता, अधिक से अधिक लोगों को बताया कि इन चीजों से बचना है, और आपके माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है। हम स्मार्टफोन यूज तो कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट नहीं हुए हैं इन चीजों को लेके। तो हर चीज जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके तौर तरीके हमें सीखने पड़ते हैं, लोगों को ये सीखने की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। तो जो जागरूकता बढ़ाने का भी आपने पूछा क्या और क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ाने का भी हम लोग उपाय करेंगे। दूसरे जिलों में कई पुलिस साइबर मितान कई सारे अभियान करते रहे हैं, उसको हम लोग रायपुर में भी करेंगे ताकि जागरूकता भी बढ़े और पुलिस का जो काम है उसको भी हम करें ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जाए। सिस्टम की बात करें, सिस्टम आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम ऐसा जैसे चल रहा है वैसे ही है कि इसमें आप कुछ और चेंज लाएंगे, कुछ ऐसे हार्ड कुछ ऐसे सजाएं जो होती किस चीज के लिए, साइबर के लिए आप पूछ रहे हो, क्राइम के लिए, जैसे कि आप थाने ले लीजिए वहाँ लोग कंप्लेंट कराने जाते हैं, फीमेल हो मेल हो जो भी, तो वो एक डरते हैं, और व्यवहार की बात करें तो बिल्कुल अच्छा, ये मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल आप जो सिस्टम की बात करें उसमें निश्चित रूप से एक वर्क कल्चर चेंज करने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ पूरे देश में हो चुकी है। जो नए आईपीसी क्राइम्स, आईपीसी के नाम से जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट था उसको ही बदल दिया गया, ये कहते हुए कि ये कॉलोनियल सिस्टम था। आप देखेंगे तो पहले कहा जाता था आईपीसी इंडियन पीनल कोड दंड संहिता, आज वो अचानक सरकार ने बोला कि हम सिस्टम को ही बदलने जा रहे हैं, और उसको उन्होंने क्या किया, न्याय संहिता, उसको उन्होंने कर दिया भारतीय न्याय संहिता। तो अब दंड की बजाय न्याय दिलाने पे जोर है, और लोगों को कंट्रोल की बजाय फैसिलिटेट करने पे जोर है। तो पुलिस का भी रोल बदल रहा है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्होंने मैंडेट दे दिया है कि पुलिस बदले, तो सिस्टमेटिक चेंज की जरूरत है, वो व्यवहार में भी बदलने की जरूरत है, काम में भी बदलने की जरूरत है, अपने को अपग्रेड करने, उसमें बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं कि आप FSL यूज करिए, आपके जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो गवाही होती है विटनेसेस होते हैं वो मान्य होगा, अब सब कुछ डिजिटलाइज किया जाए। तो ऑलरेडी उन्होंने सिस्टम बदलने की बात कही है, अपग्रेड करने की बात कही है, और परसेप्शन तो पहले ही मैंने कहा दंड से न्याय पे जोर होगा। तो इस तरह से लेके रायपुर पुलिस भी उस सिस्टमेटिक चेंजेस के लिए ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग के आप जानते हैं कि एक पूरा सिस्टम ही चेंज हुआ है पुलिस में भी, तो हमारे नए IGP श्री अमरीश मिश्रा सर भी अभी हम लोग उस दिन ब्रीफ कर रहे थे जब सभी लोगों को, तो हमने कहा कि राजधानी के पुलिस का चेहरा बदलने की जरूरत है समय के साथ, लोगों के मांग के अनुसार और नई सरकार के गाइडेंस के अनुसार। तो हम लोग नए सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से, जिसमें पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसको सरकार ने इलेक्शन के समय भी कहा और अब जिस पे जोर है, गुंडा एलिमेंट पे कार्रवाई करने के खिलाफ, तो वो भी हम लोग करेंगे। नशे के खिलाफ आपने देखा होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जोर है, मुख्यमंत्री जी का जोर है कि नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए,
आपने सबसे पहले ही मुझसे वही क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं तो मैं आपको बाद में उस पर बताता। तो वो लड़ाई हम लोग रायपुर पुलिस अब उसमें चेंजेस करेगी, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ ये सारे सिस्टमेटिक चेंजेस होने वाले हैं। सर एक सवाल, सर एक सवाल दे रहे हैं सर जी। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ऑनलाइन सत्ता पिछले कुछ समय सर पुलिस ने चुनौती बना हुआ है, हालांकि बिलासपुर में इतनी कार्रवाइयां नहीं देखने को मिली थी और शायद नहीं था इसलिए शायद सर ये भी हो सकता है, और रायपुर में सर 35 से ज्यादा कार्रवाई देखने को मिली, और सर रायपुर बहुत कनेक्टेड भी है सर इससे, अगर छत्तीसगढ़ के जिलों की बात करें या फिर अन्य स्टेट की बात करें, सर आपकी क्या प्लानिंग रहेगी सर इस पर रोकथाम के लिए, क्योंकि सरकार भी बहुत संवेदनशीलता से इस मामले को देख रही है। बिल्कुल, ये आज भी विधानसभा में मुद्दा रहा, आपको मालूम है, ये हमारे रायपुर पुलिस में प्राथमिकता में रहेगी कि जुए सट्टे पर रोक लगाई जाए, विशेषकर ऑनलाइन सट्टा, वो सट्टा जो पहले कोई कहीं सट्टा पट्टी काटता था तो लोगों को कंप्लेन करते भी थे बताते भी थे, आज घर बैठे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों के अकाउंट का यूज किया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, और कहीं से भी कोई बैठा व्यक्ति उसको संचालित कर लेता है, और ऐप जिस तरह से यूज हो रहे हैं इस समय वो और भी ज्यादा खतरनाक। हम एक ऐप की बात करें, आप अगर नेट पे सर्च करें ऐसे सैकड़ों ऐप हैं, तो उस पे समय समय पर रोक लगाने के लिए भी हम लोग कार्रवाइयां करते रहे, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टे पे बहुत ही सख्ती से पहले तो कि जो मामले दर्ज है उसमें कार्रवाइयां करके उन लोगों को सजा दिलवाए, और फिर उनको ट्रेस करते हुए बाहर से भी लेके आए, जैसा कि संचालन जैसा आपको मालूम है कि दूसरी जगह से होता है, तो रायपुर पुलिस उस पर सख्ती से निपटेगी और कार्रवाइयां हम लोग जोरदार करेंगे। सर एक सवाल था मेरा, आप पिछले 10 मिनट से कई जिलों में आप रहती रहे, पिछले 10 मिनट से क्राइम प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन में जो सबसे ज्यादा वो इंटरफेयर आता है पॉलिटिकल देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। कहीं भी कोई अपराध होता है, पुलिस थाने में एक व्यक्ति आता है, पैरेलल वो अपने किसी दोस्त यार को भी फोन करता है कि यार मेरे साथ ये घटना हो गई, और जनप्रतिनिधि उसके सबसे खास होते हैं क्योंकि उन्होंने उनको चुने रहते हैं, तो उनके पास भी जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, और उनके पास से हमारे पास जब किसी व्यक्ति के लिए फोन आता है या कोई बात कही जाती है तो हम लोग उसको कभी अदरवाइज नहीं लेते हैं, ना लेना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का काम है कि लोगों की समस्याएं जिसमें अपराध भी शामिल हैं उसको पुलिस को निर्देश दें, सलाह दें, उनको बताएं, उनकी बात पहुंचाएं, तो इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। जनप्रतिनिधियों के बस हमें तब दिक्कत होती है अगर कोई ज्यादा उसको अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग ध्यान रखना पुलिस का काम होता है, जो करते भी है। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं हर अपराध में, कई बार जब बड़े अपराध होते हैं तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट ग्रुप के बीच का रास्ता निकालते हुए जो कानून के हिसाब से काम करना रहता है उस पर काम करना चाहिए, और वैसा ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है इसके लिए आज आपको जी, इसमें क्या है सर कि एक्चुअली जो घटना होती है उसको पता चली जाती है जो पुलिस की हमारी चल रही है वो रफ्तार में चल जाती है, तो कम से कम जब उनकी लिखा पड़ी हो जाए कोर्ट भी ले जाए वहां से बता दे कंपनी ने सबके पास गाड़ी दे रखी है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको मैं ध्यान रखूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ आपको समाचारों की कमी नहीं पड़ने दूंगा, है ना। तो आपके आपकी जो आपको न्यूज चाहिए रहता है, आपको न्यूज चाहिए रहता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपके लिए न्यूज ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और जिस तरह से कॉम्पिटिटिव पोर्टल्स और न्यूज चैनल्स का है उसमें और भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सूचना मिले, तो उसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छे करता हूँ। जनरली हम लोग या तो पॉजिटिव डालते हैं या तो हम लोग कार्रवाई डालते हैं, हम लोग घटनाक्रम नहीं डालते कि यहाँ आज चार व्यक्ति एक दुर्घटना हुई जिसमें उनकी मौत हो गई, आपके लिए वो न्यूज है चार व्यक्ति की मौत हुई, तो
हमारे लिए वो न तो अचीवमेंट है और न तो कोई वो है, तो हम लोग उसको नहीं डालते हैं। मैं इसको इंश्योर करूंगा कि, और उसके लिए आप ज्यादा परेशान होते हैं कि सर ऐसी कोई घटना घटी है क्या, तो हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि चार लाइन का इमीडिएट घटना घटी है, लेकिन आप उसके ऊपर आप लगातार अगर आप फॉलोअप मांगेंगे तो शायद मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन एक मिनिमम कि ये चार व्यक्ति डेथ हुई है, इनके चार नाम ये है, यहाँ हुई इस जगह पे हुआ, जैसे मैं एक दुर्घटना का बता रहा हूँ, तो वो भी मैं डाल दूंगा। पॉजिटिव न्यूज तो उसके लिए तो हम लोग भूखे रहते हैं, हमारा काम है पुलिस का, क्योंकि लोगों से हमें हमेशा नेगेटिविटी ही रहती है, पुलिस ये नहीं की, तो हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो हम तो चाहते हैं कि वो धर पकड़ हो, चाहे पकड़ते हैं चाहे कुछ कार्रवाई होती है तो उसको दिखाएं। तो हम लोग आप खुद कह रहे हैं उसको हम लोग और इंश्योर कर लेंगे कि पॉजिटिव न्यूज मिले, लेकिन कुछ चीजों में आप जानते हैं विशेषकर गाजा, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो थोड़ी लंबी चलती है, लिखा पढ़ी, उसमें इमीडिएट अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो बाद में अपराधी भी कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर आप देखें तो बहुत बार न्यूज के भी चीजों को अपराधी यूज करता है बाद में, की पुलिस ने तो पहले ये बताया, तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऑनगोइंग रहता है कि दो लोगों को पकड़ा लेकिन तीसरे को पकड़ना है, अगर हमने ये बता दिया कि दो को पकड़ा तो अपराधी भी आपके न्यूज को उतना ही तेजी से देख रहा है, तो शायद वो और भी गायब हो जाए, तो वहां थोड़ी हमारी मजबूरी रहती है कि हम उसको नहीं बताते। लेकिन एक अच्छा प्रेस के व्यक्ति वही रहता है जो समाचार निकाल लेता है और जो आप कर लेते हैं, शायद वही आपका काम आता है, आपके व्यक्तिगत संबंध, आपका व्यक्तिगत संबंध रहता है तो आप कहीं ना कहीं से, मैं नहीं बताऊंगा ये नहीं बताएंगे, तो आप कांस्टेबल से निकाल लेते हैं अपने मुखबिर, अपने मुखबिर, और वो मुखबिर हमेशा हमारा कांस्टेबल ही होता है, हमें मालूम है ना, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा उसको मैं ध्यान रखूंगा, हम लोग आपको न्यूज की कमी नहीं होने देंगे। यातायात की समस्या यहाँ हमेशा गंभीर रही है, विशेषकर राजधानी होने के नाते जिस तरह से हजारों नहीं बल्कि काजल लाखों लोग ट्रांजिट करते हैं, हर साल गाड़ियां बढ़ती जाती है, यातायात का बल वही है, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है कि हर साल कुछ ना कुछ सड़क अगर कम हुई बेतरतीब है, लेकिन सड़क में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, अच्छी सड़कें भी बनती जाती हैं, फिर भी वो नाकाफी हमेशा रहती है। लेकिन आप देखें पुलिस के पास यातायात सुधारने का एक ही तरीका है, हम लोग यातायात अभी माह भी चला रहे हैं, यातायात सप्ताह चलाते रहते हैं हर साल, अवेयरनेस के कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन जो एक ही तरीका है वो है कार्रवाई, और अगर हम अपनी कार्रवाई पे उतर आए तो आप जानते हैं कि शायद ही कोई बचे और तबाही मच जाएगी। अगर मैं यहाँ उतर जाऊं और मैं बोलूं कि हर यातायात के नियम पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो तो शायद ही कोई व्यक्ति बचेगा, तो ये भी लेकिन तरीका सही नहीं है। हमेशा व्यवस्था में हमें ये देखना पड़ता है कि हर व्यवस्था बनी रहे, यातायात का पालन करें, तो जो सबसे अच्छा पालन करने का तरीका रायपुर पुलिस के पास उपलब्ध है वो है ITMS। ITMS से आप चालान जितना चाहे उतना कर सकते हैं, हमने अभी फिल्टर लगा के रखा हुआ है, मैं पता कर रहा था कि हम सब पे चालान नहीं करते 100%, हम समय निर्धारित कर देते कि इतने के इतने बीच, हेलमेट वालों को माइनस, आप अगर चाहते तो बताइए, मैं अभी बोल देता हूँ कि हेलमेट वालों पे कर दो और एक घंटे के अंदर 1,00,000 चालान शहर में जनरेट हो जाएंगे, 1,00,000 चालान, आई एम टेलिंग, उससे कम बिल्कुल नहीं। आपको अगर लग रहा होगा तो कहिए तो मैं कल करवा के दिखवाऊं, तो बहुत आसान है चालान की कार्रवाई करवाना, लेकिन क्या ऐसा उचित होगा? मुझे लगता है सब चीजों में संतुलन बनाने की जरूरत रहती है, फिर आप उसको क्या बोलेंगे, पुलिस की वसूली। और वास्तव में मैंने आपको पहले ही कहा कि पुलिस के पास एक ही उपाय है, क्या उपाय है, कार्रवाई, जिसको आप वसूली कहें या कार्रवाई कहें, तो हम उसको कार्रवाई बोलते तो आप उसको वसूली बोलेंगे, तो वो बहुत आसान तरीका है, लेकिन मुझे लगता है इसको बढ़ाने की जरूरत है,
और जिस तरह से अभी चालान के रेट्स हैं जो नए 2019 के एमबी एक्ट में, कि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है 5,000 का फाइन होता है, अभी कोई एक व्यक्ति ड्रंकन ड्राइविंग करता है जो 2,000 का फाइन होता था वो 10,000 का होता है, और अभी हम लोग जब निजात अभियान चलाएंगे तो आपको वो दिखेगा, जब 10,000 रुपए का फाइन हम लोग वसूलना शुरू करेंगे तो लोग सुधरेंगे और ये कार्रवाइयां हम लोग आने वाले समय में बढ़ाएंगे, लेकिन कितना बढ़ाएंगे वो हम लोग थोड़ा सिचुएशन एनालिसिस करके करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, आपने आईटी साहब ने बैठक ली थी सोर्स ऑफ सूखा नशा तो कॉम्प्लेन की बात करी थी आपने जी, तो वो कब तक हो पाएगा और क्या पुलिस इससे पहले उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बिल्कुल पहले भी पुलिस कर रही थी, कई बार पहले भी पुलिस दूसरे जगह से लाई है। मैं आपको बताऊं, एक दो केस ऑनगोइंग भी है, आप जैसे कह रहे हैं एक दो केसेस में हम लोग अभी दूसरे स्टेट से लेके आ रहे हैं, एक तो इंटरनेशनल कनेक्शन भी कुछ है तो उसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे जो 2-3 दिनों से चल रहा है। तो जो ट्रेस करने का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी कार्रवाइयाँ करें कम है, रोक लगाने का यही उपाय है कि हम लोग उसके सोर्स पे प्रहार करें। तो पहले भी होता रहा है, अब हम लोग चूंकि मैंने कहा ये मेरी प्रायोरिटी है तो इस पे और ज्यादा होगा। सर आपका ये जो ग्रुप बना हुआ है बहुत अच्छा बना है, पुलिस वालों को काफी हेल्प मिलती है, लेकिन जो उसमें वीडियो कॉल किया थी वो 3 सेकंड का 2 सेकंड की कॉल किया थी, अगर उसको बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार ठीक है वीडियो कॉल की लास्ट क्वेश्चन कर सर एक अहम सवाल जुड़ा है मेरा, ये जो नशे पे कार्रवाई करेंगे आप तो बात कही है लगातार होते आ रहे, लेकिन उसकी जड़ समाप्त नहीं होती है, कहीं ना कहीं थानों का संरक्षण प्राप्त, क्या मैं इस पे देखिए नशे के खिलाफ कार्रवाई कोई नई बात तो है नहीं, हर जिले में पुलिस के बेसिक काम में रहता है नशे के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन अभी जो हम लोग अभियान चलाने वाले हैं, एक मिनट थोड़ा सुन लें, अभी जो हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं वो उसका असर आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको अगर सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दूं, जब हम लोगों ने बिलासपुर में ये अभियान किया तो पहले भी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन हमारे समय उसकी 4 गुना कार्रवाई की, तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगी और उसके सोर्स खोजने की कार्रवाई होगी। तो ये एक जो कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से होगी, दूसरा जागरूकता का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, आप देखेंगे बड़ा का मतलब टेंट लगा के बड़ा आयोजन नहीं, कोशिश ये होगी हर व्यक्ति तक, हर समाज तक, हर वर्ग में, क्योंकि समस्या सबकी है हर जगह, तो सब जगह हम लोग के पहुंचने की कोशिश होगी, उस तरह के आयोजन छोटे छोटे आयोजन वो होंगे। तीसरा इस अभियान का एक महत्वपूर्ण चीज रहता है, हम लोग इसमें जो एडिक्ट्स लोग हैं जिनको समाज टैबू की नजर से देखता है कि ये तो नशेड़ी है, ये तो शराबी है, उसकी कोई मदद नहीं करता, कई बार उसको भी मदद की जरूरत रहती है, तो इस अभियान में तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष रहता है कार्रवाई जागरूकता के अलावा वो काउंसलिंग का रहता है, उसमें हम लोग लोगों की ही मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अभियान अभी तक आप लोगों ने देखा होगा डिस्पाइट ऑफ ऑल वीकनेसेस, बहुत सारी कमियां आप गिन सकते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये गड़बड़ है, लेकिन इसकी खूबियां बहुत है। तो हम अगर पॉजिटिव देखें, विशेषकर मीडिया का इसमें बहुत पॉजिटिव सहयोग मिला है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये काम का अभियान है, कमियां गिनना चाहे तो 50 गिन सकते हैं कि ये निजात का, ये देखिए इस कार्रवाई में ये हो गया, लेकिन आपको इंटेंशन पे मैं आपको बता रहा हूं मेरी मंशा जो है वो बहुत ही स्पष्ट है और मेरे लेवल पे बहुत ही क्लियर है कि उसमें कोई मिलावट कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे। तो वो बहुत सख्ती से होगा कार्रवाई, जागरूकता के भी कार्यक्रम थोड़ा सा हम लोग लेट शुरू करेंगे, अभी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं पहले, और काउंसलिंग वो तो बाद की बात है, हम लोग जब थोड़ा कुछ लेवल पे पहुंचेंगे कुछ रिजल्ट मिलेगा हमें लगेगा तब हम करना शुरू करेंगे, और इसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इससे अपराधों में कहीं ना कहीं जो आप हमेशा उठाते रहते हैं कि चाकूबाजी बहुत होती है, छोटी छोटी चोरियां बहुत होती हैं, छोटे छोटे अपराध छेड़खानी बहुत होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं असर अच्छा पड़ता है। आप देखिएगा इसमें बहुत सारा, हम सब आप सब मिल करके इस अभियान को जब चलाएंगे, आप सब इसको अगर अपना अभियान समझेंगे तब, अगर इसको सिर्फ पुलिस का अभियान मेरा अभियान एडिशनल स्पीकर का अभियान समझेंगे फिर तो विल फेल, लेकिन अगर ये हम समझेंगे कि इस अभियान में हम सबको रोल प्ले करना है तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लाएगा, और मेरा मानना है कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट आना। थैंक यू।
नाइट पेट्रोलिंग हम लोग बढ़ाएंगे, नाइट गश्त भी आप देखेंगे। एक अभी ये इन्होंने प्रेस नोट दिया है मुझे, अभी ड्रग्स के बारे में ये आप बता रहे थे कि एक एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है सिविल लाइन शंकर नगर में। आप देखिए कि जिस तरह से पहले तो गांजा दारू और उस पर होता था, आज सबसे खतरनाक नशा जो एमडी, सबसे खतरनाक ड्रग्स में से भी है, हीरोइन और चरस से भी ज्यादा खतरनाक है, उसकी भी पहुंच हमारे जिले में, हमारे लड़कों में, हमारे बच्चों में और कॉलेज स्कूल गोइंग लड़कों में है। तो उसको इसी का अभी उस कड़ी में एक कार्रवाई भी है जिसमें 4.31 ग्राम मिला है और एक आईफोन और जो बाकी इन्होंने जब्ती किया है। सिविल लाइन में कल ये मामला दर्ज किया गया है जिसमें ACCU और सिविल लाइन की पुलिस ने इसमें आरोपी को पकड़ा है, दीपांकर मोहंती, और इसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि ये कहाँ से लेके आया है। हमारी टीम ऑलरेडी इसमें पीछे लगी हुई है, कुछ लोगों को खोज रहे हम लोग, हो सकता है एक दो दिन में उनको भी खोज के हम लोग लेके आए।